गाइज हम लोग लैंड हो चुके हैं इस्तांबुल एग्जिट से, डायरेक्टली हम लोग निकल कर आए हैं। यहाँ पे काफ़ी बसेस लाइन में खड़ी हुई हैं जो कि हवा बस सर्विसेज हैं, और ये आपको हमें जो है डायरेक्ट तकसीम स्क्वायर पे लेके जाएंगी जिधर हम लोगों का रूम करीबी है, होटल हमारा करीबी है, तो हम लोग को ईजी हो जाएगा। गाइज वी फाइनली रीच तकसीम स्क्वायर। यहाँ पहुँचते ही हमें बहुत भूख लग रही थी, तो करीब ही एक बहुत मज़े का रेस्टोरेंट था ऑलमोस्ट 10 feet अवे फ्रॉम दिस प्लेस। हम लोग वहाँ गए, हमने मील खाई और इसके बाद हम लोग चल पड़े अपने होटल की तरफ विद आर लगेज। गाइज ये हम लोग पहुँच गए हिल्टन इस्तांबुल बॉस्फोरस, जहाँ पे पर नाइट हमने $61 पे किया। नॉर्मल चार्जेस यहाँ पे $122 हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि हम लोगों को कम क्यों पड़ा, तो उसका रीज़न ये है कि हारिस का फ्रेंड हिल्टन में जो है एम्प्लॉई है, तो उसने हमें फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला डिस्काउंट सीन दे दिया विच वॉज़ अमेजिंग। नाउ दिस इज़ वॉट आर रूम लुक लाइक, इट वॉज़ प्रिटी स्पेशियस, ब्यूटिफुल बैल्कनी थी, व्यू बहुत प्यारा था। गाइज अगर आप लोगों को $60 की रेंज पर नाइट में रूम चाहिए तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी 3-star होटल्स आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। बस हम लोगों ने लगेज रूम में रखा, चेंज चेंज किया और हम लोग निकल गए इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने। गाइज तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस्तांबुल और यहां से हम लोग आज अपना एक्सप्लोर सीन स्टार्ट करेंगे, और पहले हम लोग जाएंगे कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेंगे क्योंकि कपड़े वगैरह जो हम लाए थे वहां से अपने लिए वो ख़त्म हो चुके हैं। बस आज हमने मैचिंग किया थोड़ी सी, दिखाओ जरा। तो जगह बहुत प्यारी है इसका, हम आपको 360 degree एंगल का एक वो देते हैं। गाइज यहाँ से हम लोग निकल पड़े तकसीम स्क्वायर की तरफ जो हमारे होटल से ऑलमोस्ट 8 to 10 minutes के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अभी हम लोग तकसीम स्क्वायर से आगे स्ट्रीट आ चुके हैं और शॉपिंग के लिए कुछ जो है शॉप्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो इसी ना काफ़ी ज़्यादा रश है। हम लोग बहुत रश है यार, गंदे किस्म का। हम लोग समझ रहे थे कि हम सीज़न के ज़रा ऑफ टाइम पे आए हैं तो शायद इतना रश ना हो स्ट्रीट्स में, पर ये तो फुली पैक्ड है। तो आप इमेजिन कर लें जब सीजनल डेज हो तो यहाँ पर तो चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो गाइज एज यू कैन सी द स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद पीपल, ये काफ़ी लाइवली स्ट्रीट है। यहाँ पे खाने पीने के लिए, शॉपिंग के लिए हर ब्रांड आपको मिल जाएगा। रात तक यहाँ काफ़ी रश रहता है और ये मेरी इस्तांबुल में काफ़ी पसंदीदा जगह थी। तो ब्रांड सारे हैं यहीं पर, ये देखो ना अपना मैंगो भी यहीं पर ही है, सारे यहीं हैं, सारा सारा भी यहीं पर। गाइज हमें अपने पसंद के स्टोर्स नज़र आते गए और हम लोग जाते गए शॉपिंग वगैरह की, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया हमारी जो कपड़ों का स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका था, तो यही करते रहे हम लोग। और उसके बाद हमें भूख लग गई तो हमने कहा चलो कुछ खाना पीना। अभी रात के 9 बज रहे हैं, अभी बस इस्तकलाल स्ट्रीट से आ गए हैं वापस तकसीम स्क्वायर में, और बहुत थक गए हैं। मेरी तो टांग जवाब दे चुकी है क्योंकि नीचे बैठे हुए हैं स्क्वायर वाली जगह पे, मैं तो अब चल सकती हूँ, थोड़ा रेस्ट करते हैं। गाइज इस्तकलाल स्ट्रीट से आगे 10 मिनट्स के या 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर लूलू लाउंज था कि रूफ टॉप के ऊपर जो है यहाँ पे हमने डिनर किया। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, द व्यू वाज अमेजिंग एंड द फूड वाज आल्सो गुड।
हमने डिनर किया गाइस, देन वी टुक अ टैक्सी, वी वेंट बैक टू आवर होटल, वी रेस्टेड बिकॉज़ वी वर सुपर टायर्ड गाइस. आज हम लोगों का सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जो है अपने होटल से जा रहे हैं पहले कुछ नाश्ता करने के लिए बाहर. हो तो लंच का टाइम गया, हम लोगों ने आज काफ़ी रेस्ट किया क्योंकि हम काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग आराम से उठे हैं और अभी क्योंकि नाश्ते का टाइम वैसे भी ख़त्म हो गया तो हम बाहर से ही जाके कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आज अपना डे टू यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करने का. ये गाइज हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं. अगर आपको याद हो जो हम पहले दिन जब आए थे इस्तांबुल, हमने एक रेस्टोरेंट से खाना खाया था विच वॉज सो गुड, हम वहीं पर जाके जो है लंच करने लगे हैं. अच्छा हारिस ने जो है ये टर्की लेग करवाई है, ये टर्की में टर्की, हाँ टर्की लेग है और ये मेरा चिकन पीस है और मेरे साथ लबन मंगवाए है जो कि बहुत ही टेस्टी है यहाँ पे, बहुत भूख लग रही है. टर्की में टर्की मजे का भी है कि नहीं. ये जो है ना डैमेज कर चुके हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी जो है ना लेग पीस चिकी है, हैरी पॉटर वाली वो लग रही है. अच्छा गाइस तो अभी हम जा रहे हैं ज़रा इनके थोड़ा मेट्रो और ट्रैम समझ लें कि ताकि हम जो है ना टैक्सी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा ना पड़े, मेट्रो और ट्रैम्स पे हम जो है ना ज़्यादा ट्रैवल कर सकें ना. गाइस हम लोग गए मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हमने निकाला इस्तांबुल कार्ड जो कि था 6 लीरा का, वो आपके ट्रैम्स मेट्रोज बसेस सब पे चलते हैं एंड इज सुपर एसेंशियल. जगह बहुत प्यारी नहीं है? हाँ जगह तो बहुत प्यारी है, जगह बड़ी प्यारी है. सॉरी किसी को मार ना दे, अच्छा लोग कहेंगे कोई पागल है, एक सेल्फी स्टिक लेके फिर रही है एक गोरिल्ला. गाइज ये मैं रैंडमली अपनी वीडियो बनाते हुए, आज हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ग्रैंड बाजार की तरफ चले जाएं, लेकिन मज़े की बात ये थी गाइज कि आज संडे था और संडे वाले दिन ग्रैंड बाजार बंद होता है तो हमारा ये ट्रिप काइंड ऑफ वेस्ट ही होने वाला है. पर चले हम आपको बता दें हम गए कैसे थे. गाइज हम लोगों ने तकसीम स्क्वायर के मेट्रो स्टेशन से वेजनी सेलर के लिए जो है मेट्रो पकड़ी. आपके पास एक मैप होना चाहिए, मैप पे सारे स्टॉप सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है. मेट्रो में बैठे ये काफ़ी प्यारे व्यूज़ हमें रस्ते में नज़र आए. ये वेजनी सेलर के स्टॉप से हम लोग बाहर निकले और यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है ग्रैंड बाजार आ जाता है तो हम वॉक करके गए वहाँ पे. अच्छा गाइस हमें जो है ना रेड बुल की ज़रूरत पड़ गई है और फराज ने तो सही आज बतख बनी हुई है. मैं बतख नहीं हूँ उस टाइम, हर थोड़ी देर बाद इसको बैठना होता है. ये अब इसको ये खाना है, अभी नाश्ता करके आई अभी इसने फिर ये खाना है. तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे बैग, ये देखो जरा इसमें इसका ये, हाँ ये फरा दिखाओ जरा, ये बैग है भाई, हीरो ने पहने अभी बैग पहने हीरो ने, अभी ये शोखी मारेगा कि इसने बैग पहने. इसमें एक एक्स्ट्रा ड्रेस, एक एक्स्ट्रा बैग, एक एक्स्ट्रा शूज और एक एक्स्ट्रा ड्रेस. ये मैं फिरा रहा हूँ क्योंकि मैडम जो है ना वहाँ पे जाके इन्हें शूट करना होता है. मैं दिखाऊं लोगों को, दिखाऊं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ व्हाट्स इन माय बैग. चलो मिलते हैं ब्रेक, शादीशुदा लड़को ट्रिप पे ऐसी हालत हो जाती है. शादी से पहले यकीन मान मैंने ख्याल, मैं दोस्तों के साथ जब ट्रिप पे गया हूँ मैंने जिंदगी में बैग नहीं पहना होगा. अगर होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम उसमें एक कैमरा पड़ा होगा. हाँ दो अलग किस्म के कैमरे तो अलग अंदर पड़े हैं, DSLR सेल्फी स्टिक वगैरह वो तो अलग पड़ा हुआ है. गाइज इधर जो है सारी मेरे ख्याल हर जो ब्रांड है ना इसकी शर्ट्स शॉर्ट्स वगैरह कॉपीज में, तो अच्छा चल रहा मींस कि दन रही है हां. ओ कना रीता तक कतल छ 100 का गले ददलता. तो गाइज यहां पे हम लोग जो हैं घूमे फिरे चीज़ें चेक आउट की, लेकिन फिर हमने कहा कि हम लोग ग्रैंड बाजार देखने जब आएंगे तो दोबारा यहां पे आएंगे. हमें बहुत भूख लग गई थी और ऑलमोस्ट मगरिब होने वाली थी तो हम लोग निकल गए वापस तकसीम स्क्वायर.
गाइस अभी रात के टाइम हो चुके हैं और हम लोग डिनर करने आए हुए हैं इज़बूल द बॉस्फोरस, ये लाउंज है, यहाँ पे हम कुछ खाएंगे पियेंगे और चेक करते हैं चलो कैसे व्यू बहुत प्यारा है। सो गाइज दिस वॉज द ब्यूटिफुल व्यू, मैं आपको कैमरे से जूम इन करके बॉस्फोरस ब्रिज दिखा रही हूँ, नीचे बॉस्फोरस रिवर है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे इतना रश नहीं था इस टाइम इज़यूर में क्योंकि शाम का टाइम था, बिल्कुल अभी अभी रात हुई थी। एंड अदर देन दैट गाइज वी लाइक दिस प्लेस मच बेटर देन द लुलू लाउंज जो कि हमने इससे पिछली रात ट्राई किया था और यहाँ का खाना वो सुपर डिलिशियस। के बाद वी वेंट बैक टू तकसीम स्क्वायर टू हैव सम डिज़र्ट। गाइस ये हमारे स्पेशल हारिस की डिज़र्ट्स खाने के लिए क्योंकि इसका बकलावा खाने का कुछ ज़्यादा ही दिल कर रहा था और अभी हम चखते हैं कि ये कैसा होने वाला है। मज़े किए बहुत, थैंक यू। वनीला आइसक्रीम के साथ कोई बहुत कहते हैं, बड़ी हार्ड आइसक्रीम है या सीन है, चीज़ तो नहीं है थी। मजा आ गया, ये वॉलनट केक है ठीक है, तो ये क्रीम है और ये केक है। हमने थोड़ा टाइम तकसीम स्क्वायर पे गुजारा और इसके बाद हम लोग रूम चले गए। गाइस ये हमारा नाइट टाइम का व्यू है और अभी जो है क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं और हम लोग जो है हमें भूख लग गई थी तो हम डोनर खाने बैठ गए। अभी मैं अपने लिए कुछ स्वीट्स भी लाई हुई हूँ, आई मीन डिज़र्ट्स, तो अभी मैं वो भी खाऊंगी। और बिल्कुल भी सर्दी नहीं है यार, हम लोग बालकनी पे बैठे हुए हैं, ये हारिस को चेक करें अंधेरे में। और ये हमारा व्यू है जी, तो अभी हम कुछ मीठा खाने लगे हैं। यस अभी मैं फ़ोन ज़्यादा आगे नहीं करी क्योंकि हारिस ने कहा मैं फ़ोन गिरा दूंगी तो इसे टेंशन होती है बहुत, तो यहीं पे बाय। सुबह हो चुकी है और आज थोड़ा सा क्लाउडी है वेदर, टाइम जो है ऑलमोस्ट 10 समथिंग हो रहा है, तो धूप का तो कोई नामो निशान नहीं है। और हम लोग जो है बैल्कनी के ऊपर बैठ के देसी तरीके से नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते की वीडियोस आजकल हिल्टन की नहीं आ रही यार, यहाँ पे 120 लीरा पर पर्सन नाश्ता है, तो इससे अच्छा है क्या मोटा नाश्ता कर लें, इतना हैवी नाश्ता, क्योंकि हम कुछ खाते भी नहीं होते, इनकी जो बुफे टाइप सीन होता है उस पे पैसे इन्वेस्ट करने से या स्पेंड करने से अच्छा है कि हम कहीं अच्छा लंच कर लें, तो इसलिए हम लोग जो है हिल्टन का नाश्ता अवॉइड कर रहे हैं और अपना देसी खाना नाश्ता करने लगे हैं। गाइस हाय गाइस, तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग जो है ब्लू मॉस्क देखेंगे। गाइस कबाताश से हम लोगों ने सुल्तान अहमद की ट्रैम ली और हम लोग पहुंच गए सुल्तान अहमद स्क्वायर विच वाज सो ब्यूटीफुल, इसे सुल्तान अहमद मैदानी भी कहते हैं। आज काफ़ी क्लाउडी से दिन है तो आपको लग रहा होगा कि जैसे शाम शाम हो रही है, पर नहीं, धूप काफ़ी कम है, दोपहर के 1 बज रहे हैं अभी तो। हाँ यही ना, हम लोग यहाँ पीछे एरिया चेक करें कितना प्यारा है, गार्डन्स है यहाँ का पूरी। गाइस ये हम बी गेट से जो है इसमें अंदर एंट्रेंस करने लगे हैं। गाइज इस गेट से हम लोगों ने एंट्री की ब्लू मॉस के लिए, यहाँ पे पार्क से बने हुए थे, लोग काफ़ी यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स भी लगे हुए थे जिन पे काफ़ी टूरिस्ट के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। गाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी नमाज कैसे पढ़ते हैं, वज़ू कैसे करते हैं, कुरान के कुछ बेसिक फैक्ट्स नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए भी जो कि यहाँ से गुजरे तो उनकी नॉलेज में इजाफा हो। और आगे आप देख सकते हैं ब्लू मॉस की कुछ पिक्चर्स दी गई हैं अंदर से बाहर से ऊपर से, एंड द ब्लू मॉस्क लुक सो प्रिटी। हम लोग पहुँच गए फाइनली ब्लू मॉस्क, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो काफ़ी शोर था और काफ़ी एरियाज बंद किए गए थे, तो विजिटर एरियाज ओपन था, प्रेइंग वाला सेक्शन ओपन था। ब्लू मॉस्क के एंट्रेंस के लिए आपका हेड कवर होना चाहिए। गाइज अंदर से कुछ इस तरह का व्यू था, ये विजिटर्स एरिया था जहाँ पे इबादत नहीं हो रही थी तो यहाँ पे लोग सिर्फ देखने आ रहे थे, और यहाँ पे सीलिंग्स के ऊपर बहुत प्यारा टाइल वर्क हुआ हुआ था, और अगेन यहाँ पे भी अंदर भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी तो पाइप्स ताने वगैरह आपको नज़र आएंगी, बट आप देख सकते हैं द सीलिंग्स एंड एवरीथिंग, द आर्ट वर्क इज सो प्रिटी एंड पीपल वर जस्ट टेकिंग पिक्चर्स एंड लुकिंग एट द स्टफ हियर।
गाइज़ ये सब देखने के बाद हम लोग एग्ज़िट से बाहर निकल गए और हम लोग को बहुत भूख लग रही थी तो हमने कहा कुछ खा पी लेते हैं। चुकी है और हम लोग स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे डोनर मिल रहे हैं चिकन बीफ, चिकन को यहाँ ताबुक कहते हैं तो मैंने ताबुक लिया है। इसी हम लोगों का खाना आ चुका है और अभी हम डोनर विद फ्राइज एंड ड्रिंक खा पी कर चले जाएंगे हालिया सोफिया देखने जो यहाँ से नजर आ रहा है। काफ़ी भूख लगी हुई है, कैसा है? जो है मेरा डोनर है जस्ट फिल्ड विद चिकन और ये मैंने पूरी थोड़ा सा स्पाइसी सॉस करने के लिए इसमें दड़ा मिर्च डाल दिए। दिस इज मेयोनीज। प्रीटी नाइस। ग्रिल्ड चिकन की फ्लेवरिंग है जो बहुत मजे की है। ड्रिंक है ये डील थी टोटल 18 लीरा की। हम आए हैं मिली सरेलार, ये कैफे है यहाँ पे। स्टॉप से आप थोड़ा सा मतलब 5 मिनट्स की वॉक आगे करें तो वहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ आ जाता है, ये बिल्कुल वोडाफोन पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट है रोड क्रॉस करके। तो काफ़ी मज़े की जगह लग रही है, मतलब कि आपको कॉफ़ी शॉफी चाय शाय अगर आपने पी तो क्या करूँ, अच्छा लग रहा है। जब बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा। वहाँ का व्यू इज सो ब्यूटिफुल, लेट मी शो यू गाइस। आप जस्ट यहाँ का व्यू चेक करें। तभी हम लोगों ने अपनी पहली डिज़र्ट मंगवा ली है जो कि ये है सिली का स्ट्रॉबेरी समथिंग, पता नहीं क्या। तो अभी मैं इसको ट्राई करती हूँ, होपफुली मज़े की होगी। फिर नहीं दे। कैसा लगा तुम्हें? मैंने नहीं पकाया जो इतने शौक से खाने की ट्राई कर रहे हो। बड़ा मजेदार। अच्छा फिर गाइस हम लोग वहां से बाहर आ गए। फ्रंट पे जो है उस कैफे की ये एरिया था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे वॉक करते गए, बस स्टॉप आ गया। बस हमने ली तकसीम स्क्वायर की और वहाँ पे जाके हम बाय वॉक अपने होटल वापस चले गए। थोड़ा सा हमने रेस्ट रेस्ट किया और फिर हम रात को डिनर के लिए निकल गए। ये कहाँ पर आए हुए हम लोग? यार फाइनली शुक्र है मैं जो है ना फरा को जो है कराची दरबार लाने में कामयाब हो गए। कामयाब हो गया क्योंकि ये तो क्या कहते हैं बर्गर के और वो खाती है चिप्स खाती है मैकडॉनल्ड्स के ना। अभी आज मैं देसी खाने का बहुत दिल कर रहा था, शुक्र है ये मान गया आने को। खाना कराची दरबार आए में आप सही देसी माहौल है और आप लोगों को सारी पाकिस्तानी डिशेस स्पाइस लेवल आपको जो पाकिस्तान में मिलता है वो मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि टर्किश के जो कहते हैं ना वेरी स्पाइसी वो बिल्कुल हमारे इस तरह जैसे इसमें मसाला कुछ डाला ही नहीं है। हाँ, ही बिल्कुल मतलब हमारा नॉर्मल होता है वो उनका वेरी नॉर्मल होता है। बहुत नॉर्मल होता है। तो आज हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कैसा है कराची दरबार। तो बताएंगे आई ट्रैवल करते हैं आप इतनी पाकिस्तानी डिशेस बहुत याद आती हैं और इस तरह के रेस्टोरेंट्स जब आपको मिल जाएं तब काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तभी देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। ये हम लोगों की जो है आ चुकी हैं डिशेस और इसके साथ हमने ऐरान मंगवाई है जो कि सॉल्टेड लस्सी है और अभी हम लोग यहाँ पर खाना पीना करेंगे और आप लोगों से बाद में मिलेंगे क्योंकि एनर्जी तो बनानी है। फिर हमने तकसीम स्क्वायर के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बजाते हैं, हमने वो म्यूज़िक एंजॉय किया। गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन। वीडियो के एंड में एक्सपेंसेस एक्सप्लेन किए गए हैं टर्की के ट्रिप के, तो स्टे ट्यून्ड टू गेट टू नो देम।
So guys, since many of you wanted to know our total expenses, we have enlisted them on this page. Documentation preparation pay almost per person 5,000 rupees humne pay kiye, visa fee 16,500 per person, ticket fares international and local flights ke sare humne mention kar diye hain, hotels, activities, food expenses ke humne round off aapko bataya ki hamare total kitna kharcha aaya. Agar aap log uska breakdown janna chahte hain to aap hamare baki vlogs dekh sakte hain jisme humne specifically har cheez ka breakdown karke diya hai. सारे के सारे व्लॉग्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे हमारे न्यू व्लॉग का, आप वेट कीजिएगा. और आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग एंड कंटिन्यू वॉचिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स.